आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फडणवीस के साथ बैठा था, इसका मतलब यह नहीं कि कुछ नया पक रहा है। अजीत पवार, महाराष्ट्र में पिछले महीने चार दिन चली बीजेपी एनसीपी सरकार के गिरने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी नेता अजीत पवार विधायक संजय शिंदे की बेटी की शादी में शामिल हुए थे। शादी में पहली बार एक साथ नजर आए। इसे लेकर अजीत ने कहा, हम एक साथ बैठे थे, इसका मतलब यह नहीं कि कुछ नया पक रहा है। हमने मौसम और बारिश पर चर्चा की है। भाजपा के चंद्रकांत पाटिल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ललकारा, कहा अगर हिम्मत है तो हमसे ले पंगा। औरंगाबाद में भाजपा की सभा में मीडिया से रूबरू होते हुए पाटिल, इन्होंने सीएम ठाकरे को संबोधित करते हुए कहा कि आम जनता के हित के लिए गए निर्णय रद्द करने से कोई फायदा नहीं, इससे केंद्र सरकार को कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए उन्होंने उद्धव ठाकरे का नाम लिए बगैर कहा कि अगर पंगा लेना है तो हमसे ले, आम जनता को परेशान ना करे। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।